हेलो आजा हेलो राज सर कैसे सर तुमको हेलो नहीं बोलूंगी मैं क्यों क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ आज तुम बात मत करना मुझसे ओके वेरी गुड तो राज सर मैं ये कह रहा था जब कोई नाराज होता है ना तो उसे मनाया जाता है पूछा जाता है कि वो नाराज क्यों है मैंने एक बार पूछने की गलती की थी कि सड़क पे खड़ी थी रो रही थी कहती मेरा एक भी सहारा नहीं बिका सुबह से तो मैंने तरस खा के खरीद लिया वही बांध दिया मेरे सर पे तब से बंधी हुई है ये मैं नहीं पूछता शर्मा जी सबसे ये लिपस्टिक का दाग कहां से आया है ओह माय गॉड ये तो मेरा नहीं है तो किसका है और कहाँ से आया तो शर्ट पे लिपस्टिक का दाग नहीं आएगा तो क्या लिपस्टिक पे शर्ट का दाग आएगा ये आप अपने पिताजी से पूछिए वो मेरी शर्ट पहन के पार्क में गए थे पापा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनेंगे अरे वो तो तुम्हारी माँ की साड़ी पहन रहे थे मैंने रोका उनको मैंने बोला ये पहन के जाओ बुरा लगता है सर ये ऐसी बातें करता है मेरे पापा के बारे में और एक मेरे पापा है जो इसकी खुशियों के लिए रोज बेचारे वो नंगे पांव मंदिर तक जाते हैं रोज अच्छा एक उनका टैलेंट है जाते नंगे पांव में वापस आते जूते होते पैर इतने एक्सपर्ट हैं लेडीज हील पहन के भाग लेते हैं इनके पिताजी और एक दिन वापस आए पैरों में तो जूते थे ही हाथों में भी थे ऐसे करके भाग गए जूही दी ये मेरी शादी वाले दिन आपको देखना चाहिए था मतलब मेरे परिवार वाले इसके पीछे दामाद जी खाने में कमी तो नहीं अरेंजमेंट में कमी थी मतलब इसके पीछे पीछे भाग रहे थे और जिस चीज में कमी थी वो पूछा नहीं उसको चुपचाप घूंघट में छुपा के मंडप पे बिठा दिया वो बताया नहीं झूठी कहेगी अच्छा मैम आप क्यों हंस रहे हो सॉरी बिन वेरी बैड कपिल या एक्चुअली क्या कमी है मुझमे हां देखो खूबसूरती के मामले में मैं जूही दी से कम नहीं हूं शी इज वेरी प्रिटी कम की ज्यादा है बहुत सुंदर है कहां जूही कहां ये लखनपुर की चूही खबरदार हमारे मेहमानों के साथ ज्यादा फ्रैंक हुई तो चूही चूही कर रहा है खुद इस चूही के बाल में गजरा लगा चुका है ये मैं तो पिंजरे में रोटी भी लगाता था वहां तो फंसी नहीं तू हैं गजरा जाल है गजरा मैं इसलिए लगाता था ताकि जाती हुई तो खूबसूरत दिखे आगे तंग करने आपके पति हैं अनूप सोनी कितना प्यार करते हैं आपसे और एक ये है इसके मुंह से तारीफ नहीं निकलती कभी एक दिन मैंने सोचा था तारीफ करूंगा उस दिन ड्राई डे निकला एक्सक्यूज मी कोई बंदा किसी इन्फ्लुएंस में आके झूठ बोलता है वैसे मैं झूठ नहीं बोलता आप अनूप जी को बोले ना क्राइम पेट्रोल पे एक एपिसोड बनाए वहां पे दिखाए कि पति पत्नी को कितना परेशान कर सकता है एक और एपिसोड बनाइए कि मासूम इंसान के घर पे एक औरत आई और साथ में अपने माँ बाप को ले आई एक जोड़ी माँ बाप और ये 2 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं फ्रॉड कहीं के ये बिंदु तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है ये माँ देख लो लेडीज कुंभकर्ण आ गई है उठ के बिंदु तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है अंदर देख तेरे पापा जी ने मिश्री समझ के फिटकरी खा ली तो चलो फिर डॉक्टर के पास लेके चलते हैं रुको रुको अरे उन्हें तो इतनी टेस्टी लगी और मांग रहे मम्मी गेस्ट आए अरे राजी राजी ओ माय गॉड मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा राजी मेरे राजी चिमटी काट चिमटी से कुछ नहीं होता स्क्रू ड्राइवर मार इनको आज कम से कम ऐसी वैसी कोई बात मत करो प्लीज राजी मैं आपको 40 साल बाद देख रही हूँ और आप वैसे के वैसे ही हैं तुम जानती हो राज सर को जानती हूँ हाँ कॉलेज में शादी में तो थे है ना एक मिनट मैं याद दिला रही हूँ आपको कहाँ गया ये देख राज जी का पर्स मम्मी ये तुम्हारे पास कैसे आया कैसे क्या आया कॉलेज का लास्ट डे इन्होंने मुझे गुलाब तो दिया ही नहीं तो मैंने कहा इनकी निशानी के तौर पे मैं क्या चीज अपनी किताब में रखूं तो मैंने इनका पर्स निकाल लिया सॉरी सर तुमको शर्म नहीं आती पर्स निकालते हुए अरे निकालना तो मैं इनके गले की चेन चाह रही थी लेकिन क्या हुआ इन्होंने मुझे गले लगने ही ना दिया वैसे राजी आज आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे चल रहे हैं आपको शर्म नहीं आ रही उनके बच्चे यहाँ बैठे हुए ऐसी बातें कर रही हैं अरे तो बच्चों को शर्म आनी चाहिए ना मम्मी पापा फ्लर्ट कर रहे हैं यहीं बैठे मम्मी
बच्चों को चाहिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। अरे ये भी तो यहीं खड़ी है, ले बता जब इसे शर्म नहीं आ रही तो मुझे शर्म कैसे आएगी। अरे मैं तो इसी पे गई हूँ। मम्मी बेटी अब वहाँ पे जाती है, ये अगर मेरे पे गई होती तो इसका पति इसके आगे पीछे लट्टू बन के ना घूमता। जैसे तेरे पापा मेरे आगे पीछे लट्टू बने घूमते हैं। लट्टू नहीं, इतने बड़े खट्टू है, मैं क्या बताऊंगा आपको। अर्चना जी उस दिन पानी लेके ना इतना बड़ा बाल्टी उसे मशरूम भिगो के बैठा रहा सारी रात। कहता जब ये सुबह फूल जाएंगे मैं छाता बना के बेचूंगा। ये हरकतें करते हैं ये। दामाद जी वो सब बातें मत करो आज। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं और राज जी आगरा में एक साथ घूमा करते थे, और इन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा, और बना दिया। कहाँ बनाया? अरे बेवकूफ बना दिया मुझे। अच्छा सुनो जूही, आर्या, प्रतीक, अपने कानों पे जरा हाथ लगा लो बेटा। हाँ जी? ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा चलें। मुझे इनसे कुछ बात कहनी है। हाँ जी, राजी आप मुझे ऐसे कागज पे आई लव यू लिख के दीजिए ना प्लीज, जिस पे गांधी जी की तस्वीर हो और 2000 लिखा हो। मम्मी अरे 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 घुमा फिर आगे मांग रही थी तूने तो अभी बहुत हो गया। तुम अंदर चलो, तुम ना नाक का राज मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी। बाऊजी तुम अंदर चलो, मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी। राज के बगैर मेरी जिंदगी हराज, मेरी जिंदगी हराज। तो शी बिकेम सिमरन इन द एंड। सॉरी सर ये ऐसा ही हमारी फैमिली क्या करेगी। अच्छा आर्य जो है वो एक्टर तो है ही, इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है और अभी हाल ही में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। yeah. पिल है के मानता नहीं, तो ये इन्होंने लिखा तो खुद है ही, उसमें एक्टिंग भी खुद की है, उसको डायरेक्ट भी खुद किया है। wow. तो दूसरों पे आपको भरोसा नहीं था? किसी और को पैसा देने का मन नहीं कर रहा था क्या? कहानी है देखिए शॉर्ट फिल्म्स के बजट बहुत छोटे होते हैं सर जी। तो जब एक्टर कास्ट करने गया मैं, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इसमें एक्ट करूंगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको डायरेक्ट ही करूं, और मैंने पढ़ाई लिखाई भी की है। इसकी मैंने ठीक से की है, न्यूयॉर्क में पढ़ाई लिखाई की। अच्छा वाह। जो मैंने डिसाइड किया करते करते कास्ट ढूंढने गए तो बजट बहुत बढ़ता गया। Then my wife was like, इतना ही बजट है तुम ही एक्ट करोगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा दैट वाज इट। तो मतलब वाइफ तभी से बजट आपका कंट्रोल कर रही है? सर वो प्रोड्यूसर है। अच्छा प्रोड्यूसर ना भी होती तब भी कंट्रोल कर लेती है। यार मेरा बड़ा मन है कभी कभी पता है स्क्रीन प्ले का कुछ ऐसे जाके सीख के आऊं नहीं और फिल्म स्कूल से। सर बिल्कुल करिए, बहुत बहुत मजेदार कोर्स होता है। आई विल कम अलोंग विद यू। रहने दो, आप अपनी टिकट खुद खर्चना। मैं मेरा भी टिकट खरीदूंगी यार। एक्टिंग के अलावा प्रतीक ने ब्राजीलियन जुजुत्सु एक नाम की चीज होती है, मैंने भी पहली बार सुनी है। वो फाइट होती है एक तरीके की, उसमें मतलब ब्लू बेल्ट जीती इन्होंने। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आपके पैसे फंसे हुए थे कहीं तो प्रोड्यूसर दे नहीं रहा था आपको पैसे क्या? सर मार्शल आर्ट से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली एक मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, अलग फॉर्म है, कुश्ती की तरह ही समझो आप, ब्राजीलियन कुश्ती। वो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस है सर। तो इसके जो वीडियोस है इसके ट्रेनर के साथ, उसमें इसका ट्रेनर इसको पकड़ के हमेशा मारता ही रहता है। बहुत तो मैं से पूछता हूं तू पैसे इसको किस बात के? बात को सही है, टेक्निकली मैं इनको पैसे दे रहा हूँ मेरी पिटाई करने। मुझे भी स्कूल में बड़ी बुरी बात लगती थी जब मेरे मैथ के टीचर जब देखो मुर्गा बना, मैं घर पे बंजिया करेंगे हम, इनको क्यों पैसे देते हैं। मैंने जब अर्चना जी को बताया ना, मैंने कहा पता आज बब्बर फैमिली आ रही है और प्रतीक ने ब्राजीलियन जिट्सु वो किया हुआ है, कहती एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। मैं कहा ये इनको लगा कोई पास्ता वगैरह होता है। तू पहले जू जिट्सु बोलना सीख ले। जू जिट्सु यही। तो भी ऐसा हुआ राज सर आपके पास कोई ऐसे आया हो कि सर एक जर्म है कहानी का, वन लाइनर है तो मैं बना रहा हूँ, आया हो इस बहाने से कि नरेशन देने आया हूँ, बाद में बोला हो सर एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिला दो। ऐसे करेक्टर मिले आपको कभी? मैंने कभी ये सोचा अगर कोई मेरे पास उम्मीद लेके आया तो मेरा काम सिर्फ ये होता था लेटर देना,
उसने कहा था फोन कर दो, मैंने फोन कर दिया। वो उसकी तकदीर है कि अगर उसको मिल गया पेट्रोल पंप तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भैया ये होता है भाई देखो मैं उस बंदर की तरह हूँ, पेड़ तो कूदा था। ये कहानी सुनी आपने ना, ये बड़ा वो बंदर वाला किस्सा राजचंद्र याद दिलाया। एक बंदर को राजा बना दिया गया। अच्छा। जब वो राजा बन गया, जीत गया, तब सबको उम्मीद हुई कि भाई वो शेर जो है वो तो अब कोने में बैठ गया। तो एक बकरी आई, कहती कहती साहब मेरे बच्चे को उठा के ले गया भेड़िया, उसको मार देगा। तो कहता कहाँ है? बोले अब वो शेर के पास जाके डाल दिया, फेंक दिया उसने। तो इधर से उधर, उधर से उधर, सारा जंगल बंदर ने कूद कूद के छोड़ दिया। तो कहता मेरे बच्चे को खा गया। बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो देखो हर जगह कूदा, पसीने पसीने हो गया। भाग दौड़ तो की मैंने, भाग दौड़ तो मैंने की है, अब तुझे मिला नहीं मिला, बच्चा बचा के नहीं बचा, इसमें मेरा क्या कुछ। तो भाई मेरा हाल ये था कि मैंने कभी किसी को दस्तखत करने में कमी नहीं की, फोन करने में कमी नहीं की। हाँ कुछ लकी लोग ऐसे होते थे कि उनका भला हो जाता था, कुछ नहीं होते थे वो मुझे बुरा नहीं कहते थे, कहते थे पसीना तो छुड़ाया इसने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।